अगर आप ऑफसाइड रूल समझना चाहते हो तो ये वीडियो एक झटके में देख लेना। जब आप अपने टीममेट के पास छोड़ने से पहले ही ये सेकंड लास्ट डिफेंडर की लाइन को बॉडी के एक पार से भी क्रॉस कर देते हो तो आप ऑफसाइड कहलाते हो। बट रीबाउंड में ये रूल थोड़ा अलग हो जाता है। रीबाउंड मतलब जब बॉल ओपोनेंट से टकरा के फिर आपके पास आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टीममेट आपको पास दे रहा है और ओपोनेंट जानबूझकर उसमें टांग अड़ा रहा है और बॉल उसके टच होके फिर आपके पास आती है, तो आप ऑफसाइड पोजीशन पे होते हुए भी ऑफसाइड नहीं कहलाओगे। और अगर उसने जानबूझकर टांग नहीं अड़ाई और उसके नॉर्मली बॉल टच होके आपके पास आए तो आप ऑफसाइड ही कहलाओगे। तीसरा, अगर गोलकीपर के सेव करते टाइम रीबाउंड से आपके पास बॉल आती है तो आप फिर भी ऑफसाइड ही कहलाओगे। देखो यार, मैंने अपनी तरफ से बताने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और अभी सब्सक्राइब करके कभी हमसे दूर मत जाना, नहीं तो आप ऑफसाइड हो जाओगे।